जोबट से लगभग कुछ ही किलोमीटर दूर आगे अभी हम हैं कुक्षी रोड पर, और ये गांव है तेदला। यहां से अभी हम एक जगह जा रहे हैं जो लगभग जोबट से 7 किलोमीटर के अंदर आती है, काफ़ी अच्छी जगह है। अभी हम वहां पर जाके ब्लॉग बनाएंगे, और मेरे साथ अभी मेरा फ्रेंड देव भी है, हम दोनों ही साथ में अभी वहां पर जाएंगे। और अभी हम पहली बार जा रहे हैं, मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला कि वहां पर काफ़ी अच्छी जगह है जो देखने लायक जगह है, तो अभी हम चलते हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो ये कुक्षी रोड है, जहाँ पर अभी हम यहाँ से हम आगे चलेंगे, तो अभी हम चलते हैं। तो अभी हम बिल्कुल सड़क क्रॉस कर रहे हैं हम ये व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पर अभी मंदिर जो आप देख सकते हो मेरे पीछे, वहाँ पर हम चल गए थे, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत चालू रोड है, यहाँ पर लगातार गाड़ियाँ आ रही थी, इसी वजह से मैं शुरुआत ही नहीं कर पा रहा था इस व्लॉग की। तो अभी हम चलते हैं, बिल्कुल हमारी स्कूटी यहाँ पर है जैसे आप देख सकते हो पीछे, और अब हम चलते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलने से पहले मोबाइल में लोकेशन देख रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे थे तो बिल्कुल हमको मिल ही नहीं रहे कि हम जा कहाँ रहे, जो जगह है वो इसमें आ नहीं रही है। अभी हम फिर आगे चलते हैं अभी तो, और वहाँ पर हम पूछते पूछते जाएंगे जहाँ पर अभी हमें जाना है, और बिल्कुल अंदर गांव के अंदर जाना है हमें एक। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं बिल्कुल आगे यहाँ से। तो अभी हम कुछ ही किलोमीटर दूर पे हैं, लगभग हम पहुंचने वाले हैं। तो हम बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दो रास्ते आते हैं, आपको बिल्कुल इस रास्ते पर चलना है जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। तो बस हम पहुंच चुके हैं, ये है रास्ता यहाँ पर जाने का, चलो। ओहो, यहाँ दूर से आप देख सकते हो यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर अब गाड़ी लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं नेत्रा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम जोबट से लगभग 7 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, वो यही जगह है। अभी हम आए हैं नेत्रा में, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने का रास्ता आपको कुक्षी ढोलिया रोड पर मिलेगा। लगभग 7 किलोमीटर दूर जोबट से आना पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया था एक बीच में रास्ता आता है, उसके बाद यहाँ पर आप आ सकते हो, और यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल इसी तरह के नज़ारे दिखेंगे अभी जो मैंने बताया नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड आया है वो उस तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हो, देव। और अभी हम चलते हैं नीचे तालाब के यहाँ, उससे पहले हम मंदिर में दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, और ये चेन ऐसी लगे रहती है, मंदिर बंद रहता है इस टाइम पर दोपहर में। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और आपको बिल्कुल सामने देख सकते हो यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा है, और इस जगह पर गणेश जी की और ऊपर राम जी की तस्वीर लगाई गई है, और इस जगह पर भी गणेश जी की, और बिल्कुल कुछ इस तरह से यहाँ मंदिर है। तो अभी हम मंदिर के बाहर वापस आ जाते हैं, और यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हो तालाब के, काफ़ी अच्छे नज़ारे आते हैं यहाँ के पर मंदिर से, आइट साइड आप देख सकते हो कुछ इस तरह से नज़ारे आते हैं मंदिर के आइट साइड से ये तालाब के, और काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ से तालाब। तो अभी मैंने यहाँ पर चैनल वापस लगा दी है, और अभी हम चलते हैं नीचे वहाँ पर देखने के लिए तालाब को। तो अभी हम चलते हैं, उतर रहे हैं, और ये कुछ शैतान यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो यार ये सूस खाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर डॉग, आप जैसे देख सकते हो। अब हम कुछ यहाँ पर लाए तो नहीं है, तो हम कुछ खिला नहीं सकते, शायद इसे भूख लग रही है तो ये उसे खाने की कोशिश कर रहा है। अरे अरे छोड़ दे छोड़ दे, कहाँ ले जा रहा, छोड़ दे। अरे छोड़ ही नहीं रहा है, ये फंस गया छोड़ दे। अरे यार तो गाइस ये छोड़ ही नहीं रहा है यहाँ पर, ना वीडियो गजब बेइज्जती है। अभी मैंने अभी आपको मंदिर यहाँ का बता दिया है, और अब हम चलते हैं तालाब के और यानी नीचे देखते हैं कि किस तरह से वहाँ से नज़ारे दिखते हैं इस तालाब के, और इस जगह के और भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल है जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो,
और भी कुछ यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है, तो अभी हम पहले नीचे चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आसपास कि यहाँ पर और क्या क्या है। वैसे मैंने पहले भी आपको ऐसे लोकेशन के बारे में बताया था, जो जोबट हो या कई और जगह हो जहाँ पर आप घूम सकते हो, आपकी फैमिली के साथ जा सकते हो। और जोबट में भी मैंने दो ब्लॉग बनाए थे, एक बाबदेव बेड़ी का और एक छोटी झीरी का, जिसे मालदेव धनदेव भी कहा जाता है। वो भी काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर आप अपनी फैमिली अपने फ्रेंड के साथ घूम सकते हो, एक तरीके से कैंपिंग या पिकनिक मना सकते हो जैसे। तो यार अभी हम चलते हैं, बिल्कुल हम पहुँच गए हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे नज़ारे, यहीं से आप देख सकते हो आते हैं यहाँ के। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ से हनुमान जी का मंदिर, और इसी जगह से हम अभी नीचे आए हैं और इसके आइट साइड आप कुछ इस तरह के नज़ारे हैं, और यहाँ पर एक पानी की टंकी भी है, और बिल्कुल इस यहाँ पर अभी देव है खड़ा हुआ देख रहा है, शायद स्टोरी लगाएगा इंस्टाग्राम पर, आपको देखने मिल जाएगी जो। और आसपास आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ के। तो यार मैं नीचे आ चुका हूँ और आप मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर मोटर लगाई गई है, यहाँ पर शायद इस जगह का पानी आसपास जाता होगा खेतों में जो सिंचाई करता है। अभी हम ऊपर आ गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो ये है मंदिर हनुमान जी का, और आगे रास्ता है यहाँ पर भी हम एक बार जाकर देखेंगे। और अभी हम फिलहाल यहाँ पर चलते हैं पीछे जो स्कूल है यहाँ पर कुछ हमें और भी देखने मिल जाए, कुछ नई चीज़ जो हम इस व्लॉग में दिखा पाए आप सभी को। तो अभी हम चलते हैं, तो शायद यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो हम नीचे तो आ गए हैं और यहाँ पर स्कूल ही दिख रही है जैसे आप देख सकते हो, और एक हैंडपंप है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर हैंडपंप एक लगाया गया है पानी के लिए, और बाकी कुछ इस तरह का आसपास से नज़ारा है। बाकी यहाँ पर पक्की सड़क है, ये अच्छा है यहाँ पर एक, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर स्कूल ही है पूरी, और काफ़ी बड़ी स्कूल है, आप वहाँ से व्यू देख सकते हो, वहाँ पर भी आगे है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर स्कूल है, और राइट साइड बिल्कुल आप ये रोड देख सकते हैं, ये मेन रोड ही आ गया है अब बिल्कुल जहाँ से हम आए थे। और अभी हम वापस चलते हैं उस जगह पर भी देख लेते हैं आगे हमें कुछ दिखता है या नहीं, बाकी फिर एंड होगा इस व्लॉग का। और तो काफ़ी अच्छी जगह है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और बहुत से यहाँ पर हमारे जोबट से ही शायद नहीं आए होंगे इस जगह पर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर अभी पहली बार आया हूँ और काफ़ी ऐसे होंगे जो यहाँ पर नहीं आए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि हम आगे भी अब एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और भी है या नहीं इस जगह पर, जैसे यहाँ पर स्कूल है और तालाब है और हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे चलकर देख लेते हैं अगर कुछ दिखता है तो। हम तो ये पूरा कच्चा रास्ता है जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर व्यू तो काफ़ी अच्छा है इस जगह का। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ पर खेत है और यहाँ पर कच्चा रास्ता है और यहाँ पर बिल्कुल तालाब है इसके साइड में ही, बिल्कुल अगर हम यहाँ से गाड़ी सीधे ले जाते हो और कहीं इधर गिर गए तो हम सीधा तालाब में जाएंगे। तो यार काफ़ी अच्छा व्यू है जैसे आप देख सकते हो यहाँ से। तो अब यही रास्ता है जहाँ से हम अब जा रहे हैं, तो देव भाई हम तारे तैयार हो चुके हैं और हम बिल्कुल स्टार्ट करके अब चलते हैं। तो ये हमारी स्कूटी, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है स्कूटी यानी, और हम रेडी है जाने के लिए। सो गाइस फाइनली अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, और इस व्लॉग में हमने क्या बताया मैं आपको वो बता देता हूँ। इस व्लॉग की हमने शुरुआत करी थी जोबट से कुक्षी रोड, जो ढोलिया फाटक है रोड कुक्षी का, उसी जगह पर हम 7 किलोमीटर दूर जोबट से आए थे, और ये जगह नेतड़ा है, नेतड़ा तालाब, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर हमने देखा है और काफ़ी अच्छा ये तालाब है, और आते वक्त भी हमें काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखे हैं यहाँ पर। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और अब हम चलते हैं।